Hey guys, what's up? This is Dheeraj Saini and I'm back again with a new video on this channel. So, आज के व्लॉग में हम बहुत ही अलग चीज़ कर रहे हैं. ये पीछे हमारे वरुण और ये सुप्रीत, इसको तो आपने देखा ही होगा लास्ट व्लॉग में. सो आज हम ये लीव्स वगैरह, जो मतलब फॉल के बाद लीव्स वगैरह, पत्ते वगैरह झड़ने चालू हो जाते हैं ना, और वो मतलब फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो उसको पूरा साफ़ करके यहाँ पर रिसाइकिलिंग वाला कुछ है, मेरे को पता नहीं है. तो ये भाई बताएगा सब कुछ आपको कि क्या क्या है और कैसे कैसे होता है. तो यस भाई, मेरा नाम वरुण. क्या आपने आगे पहले देखा होगा धीरज के साथ, देखा कि नहीं, कह जाना. I don't अभी know. अभी कोई वीडियो नहीं आई, आगे कोई आ जाएगी इकट्ठे. तो वही जो घर के बाहर जो फॉल में सारे लीव्स वगैरह जड़ जाते हैं, ठीक है, स्नो के कारण, नहीं तो ग्रास सारा खराब हो जाएगा, ठीक है, जल जाएगा. तो इसलिए सारा जो उठाने पड़ते हैं, ठीक है. ये हम रिसाइकलिंग सेंटर पे आए हुए हैं. यहाँ पे लीव्स और छोटी ब्रांचेस, मतलब की जो पाइन ब्रांचेस होती हैं, उसका अलग है. इधर ठीक है, वो मैं भी आपको पीछे बाद में दिखा देता हूँ. इधर वाली साइड वो है और इधर वाली साइड है जो ग्रीन ब्रांचेस है, उन चीजों के लिए, जैसे क्रिसमस ट्री की वो लंबी लंबी डंडियां नहीं होती है, वो उसकी बात है. पाइन ट्री, ठीक है. और वो सामने उधर पीछे 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 उधर वो है सूखी ब्रांचेस का, वो भी हम पहले उठा गया, पूरा ढेर लगे पड़े हैं. बंदों ने क्लिपर में डाल देना है, क्लिपर में अपने आप वो क्रंच क्रश हो जाएंगी. तो यही बाद में वो सेल कर देते हैं खाद के लिए, जो लकड़ी की तरह. अच्छा, वो वाली मोस्टली सेल होती है, ये वाली नहीं. अच्छा, वो वाली सेल हो जाती है, सही है, सही है. लकड़ की नहीं, पीसीस अपने कॉलेज में कई जगह तैयारियों पे वो चीज, ठीक है. इसके पीछे अपने इधर ये मेटल ग्लास, डिफरेंट डिफरेंट तरह की रिसाइकलिंग, कार्डबोर्ड, अपना एक साइन लगा हुआ है कि कौन कौन सा कौन है. तो उस हिसाब से सारी रिसाइकलिंग का हो जाता है. एंड अपना ये एक हो गया कि मतलब जो रिसाइकल के प्रोडक्ट का ही है. अब नॉर्थ साइड में है एक, जो भी मतलब अपलायंसेस अपना डंप वगैरह करने हैं ना सारे, वो सारा नॉर्थ साइड में होता है. पूरी एक बड़ी कह लो डंप बना हुआ, डंप साइट बनी हुई है. सारा जो अपने अपलायंसेस क्या जो भी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं सारी वहाँ पर जाती हैं. देखो ये पूरा भरा हुआ था, तो हमने पूरा खाली कर दिया अंदर इधर इसके भर के, ठीक है. तो देखो ये अभी भर रहा है भाई. तो ये इस वाली साइड कह रहे थे, इस वाली साइड जाती है, ठीक है. और इस वाली साइड जो होता है वो ग्रीन होती है. ये हमने पूरा खाली करके पूरा ट्रक भरा हुआ था उस साइड, सामने खाली जो सूखी डंडियाँ होती हैं वो बेसिकली मतलब जो फॉल में लीव्स वगैरह पतझड़ वगैरह स्टार्ट होता है और लीव्स सारी जो ग्राउंड पे आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद स्नो पड़ती है, तो उस लीव्स के ऊपर ही स्नो जो रह जाती है, उसकी वजह से मतलब थोड़ा ग्रास को इफेक्ट पड़ता है. मतलब थोड़ी ग्रास डेड होने लग जाती है, वो ग्रीन कलर से येलो में कन्वर्ट होने लग जाती है. तो उससे पहले हमको ये सारी जितने भी पत्ते वगैरह हैं ये सब उठा के हमें एक रिसाइकिल, जो भी आसपास सेंटर होता है रिसाइकिलिंग सेंटर, वहाँ पे सब कुछ हमें दे के आ जाना चाहिए या फेंक के आना चाहिए, जो भी है. तो ये देन उसको अभी उसने भाई ने बताया पीछे कि उसको ये खाद में कन्वर्ट करके उसको बेचते हैं. सो बहुत ही अच्छा बिजनेस का आइडिया है. आई मीन मेरे को पता नहीं था कि मतलब मेरे को लगा था कि ये ऐसी डंप वगैरह होते होंगे, हाँ, बट कहीं ना कहीं इसकी सेंस बन रही है कि इसको डिकम्पोज करके खाद वगैरह बनाते होंगे. सो यस, हमने पूरा साफ कर दिया है. ये ट्रक है, ये इस भाई का है वरुण बत्रा, इसका अपना भी चैनल है, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, जाके सब्सक्राइब कर लेना. हाँ जी, कैसा लग रहा है रियलिटी ऑफ कनाडा, व्हाट डू यू थिंक? ਲੇਬਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ, ਫਾਈਨ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਵੀ ਡੋਨਟ ਡੂ ਇਟ ਔਨ ਟਾਈਮ. ਯਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜੀ ਨਾ ਫਾਈਨ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਪੂਰਾ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਘਾਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਫਾਈਨ ਹੈ ਲੇਬਰ. देख लो, अगर आप अपने घर की सफाई नहीं रखोगे, आसपास के एरिया की सफाई नहीं रखोगे, तो उसका भी फाइन है. लाइक पूरी मतलब फॉल निकल गया, पत्ते वत्ते पूरे आपके उसमें पड़े हैं, इकट्ठे करके जला दो. हाँ, जला भी नहीं सकते, पोल्यूशन भी नहीं, सीधा पुलिस आएगी और सीधा क्या रिपोर्ट. नहीं, बड़ा फाइन होगा और जो ओनर होगा उसको भी उसको वो मोस्टली लैंडलॉर्ड वो निकालना पड़ता है उसको, टेनेंट्स को. हाँ, तो रिस्की मानी जाती है फायर.
कोई फायदा नहीं, बेइज्जती होगी इसमें। इससे बढ़िया पहले ही साफ सफाई करके रखो। तो साफ सफाई बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, ठीक है, देन वर्क परमिट लेते हैं, एंड यहाँ पे बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जिन पे अपना घर होगा। तो हमारे साथ वरुण है, ठीक है, ये जो पीछे बंदा भी हमने आपको दिखाया, इसने अपना घर खरीद रखा है यहाँ पे, और ये स्टूडेंट वीज़ा पे था, देन जैसे ही वर्क परमिट पे आया तो इसने घर लिया। सो अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए कि इसने अपना घर कैसे लिया, भाई ने अपना घर कैसे खरीदा, तो मेरे को मेक श्योर नीचे कमेंट करके बता दो। कनाडा में हम अपना घर इतनी जल्दी कैसे ले सकते हैं, मतलब किसी ने इस पे बनाया नहीं होगा। लाइक करो इसका चैनल पूरे से, तभी आएगी वीडियो। हाँ, टारगेट दे दे इनको कि इतने लाइक चाहिए, 500 लाइक है, जितने भी चाहिए। 500 तो बहुत ज्यादा है, हाई रखो तो हाई। हाँ, तो टारगेट है वीडियो, तुम लोगों को सारा पता होगा कि हाँ भी घर कैसे लेना है, क्या चीजें करनी है, क्या नहीं, क्रेडिट कार्ड कैसे मैनेज करने हैं, एक अपने फाइनेंशियल कैसे मैनेज करना है कनाडा में आके, वो सारी मैं बताऊंगा। बट हाँ, चैनल के सब्सक्राइबर और लाइक चाहिए, फिर आएगी वीडियो, नहीं तो नहीं आएगी। हाँ, तो सब्सक्राइबर बढ़ा दो बस, अभी मेरे 1000 होने वाले हैं। सो जैसे ही 1000 हो जाएंगे वैसे ही ये वीडियो ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। तो फटाफट सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो का लाइक हम रख लेते हैं 100 लाइक्स। 100 लाइक्स बहुत होंगे, तो सारे लाइक करो। जैसे ही 100 लाइक्स या 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, 1000 के मैं बहुत ही पास हूँ, ठीक है, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब ज़रूर करो। मैं शेयर नहीं करूँगा क्या नंबर है, बट हाँ सब्सक्राइब कर दो। जैसे ही 1000 होंगे मैं इंस्टा स्टोरी डाल दूंगा कि 1000 हो गए हैं, और कनाडा में घर कैसे लेना है उस पर ब्लॉग आ जाएगा, और अपने फाइनेंशियल्स लाइक क्रेडिट स्कोर वगैरह कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। सो ब्लॉग में बने रहो, थोड़ी इन्फॉर्मेशन और शेयर करेंगे, देन ब्लॉग एंड करेंगे, ठीक है। लो पैसिव इनकम के बारे में भी आई है एक वीडियो, है ना, ठीक है जी। $10,000 ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਇਨਕਮ ਦਾ, ਸੋਚੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵ ਇਨਕਮ ਦਾ ਕਰ, ਕੋਈ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਆਪਣਾ ਐਕਟਿਵ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਮਖਵਾ, ਜੋਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ। तो ये पूरा बिजनेस माइंड है बंदा, और बिजनेस प्रोग्राम में ही है, मेरे पे पास भी बिजनेस ही है। सो थॉट्स कुछ रिलेटेबल है। सो जी मुंडा अज गड्डी सीख लगा वा, तो देख दे किदा चलांदा, तुहानू हुण मैं फ्लिप कर दिंदा कैमरा, देख दे किदा चलांदा। मार ठीक है, इत्थे जी आपां उत्थे खड़े आ रीसाइकल वाले दे, ते रूल भी जो टेस्ट भी पास करना, तो अपने शीशे तीनों देखने, ठीक है, शोल्डर चेक करना, इदा ਸ਼ੋਲਡਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਗੱਡੀ, ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੇਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ, ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ, ਮੁੜਨਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਗੱਡੀ ਲਾਉਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਆਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਮਿਰਰ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮਿਰਰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਵਿਊ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ
ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਦੂਜੀ ਲੇਨ ਚ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇਖੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ अभी इसी लेन में रखनी है हमें वन में है ना इतने जाके उसको मोड़ देनी है और जो वो वाला लेन है साठ वाला वो वैसे साइड में उसी रोकनी है गड्डी लेन ही नहीं लेन आई आ साइन का मतलब क्या होता ये हां ये साइन बिल्कुल स्लो कर लेना मतलब कि दो चार या पांच की स्पीड पे आके देखना कोई है नहीं है तो फिर जाना जे कोई है तो रुक जाना ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ ਗੱਡੀ ਦੇ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਪਲ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਓਨਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦਾ 10% ਹੋਵੇ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਾ ਲਓ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ 6,600 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਮੰਥਲੀ ਜਾਂ 400 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣ ਗਈ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ 300-400 ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ 30-40% ਜਨਤਾ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਿਊ ਜਿੱਥੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਗੱਡੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਸਪੋਰਟਸ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਲਓ ਜੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਹਜੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਟੋਪ ਸੇ ਨਾ ਸਟੋਪ ਲੈ ਲਓ ਗਾੜੀ ਬੰਦ
यो तो अभी जा रहे हैं हम कॉलेज, कॉलेज रात को भी खुला होता है, सो देखते हैं अभी रात को कॉलेज में क्या हो रहा है। तो टाइम क्या हो रहा है भाई? भाई 6:17 हो रहे हैं, कॉलेज रात को शायद पूरी रात ही खुला रहता है। अभी देखते हैं कॉलेज के अंदर क्या माहौल है, क्या चल रहा है। चलो रात हो रही है आज, आज 6:17 हो रहे हैं, 6:17:18 कॉलेज का व्यू देखो, कॉलेज खुला हुआ है। चलते हैं कॉलेज, देखते हैं क्या है, कुछ है नहीं वैसे कॉलेज में, जैसे जा रहे हैं। हम तो कॉलेज राती कुछ नहीं होता इन्ना, ठीक है। साढ़े जो कोविड तो पहला जी जनता सी ना मोस्टली जिदा सारे बसा होंगे छेती के घर नहीं आता जी, इतने असाइनमेंट असूनमेंट्स करके मैं अपने फ्रेंड्स फ्रुंड किसी बैठे रहना, तो मुंडे मुंडे सारे होंगे इतने बैठे रहना ही 7-8 बजे या 9 बजे बस जाना किसी टाइम किसी ने किन्नी बजे का। तो उस तो बाद अपना हूँ कोविड तो बाद कोई माहौल नहीं रहा कॉलेज, अगे सारे कोई असाइनमेंट कर गए होना किसी ने कितने होना, फिर भी इतने मॉर्निंग 7 बजे खुला रहता है। तो अभी हम कॉलेज में हैं, अंदर आ गए हैं, सो 6:17 नहीं हो रहे, अभी 6:30 हो रहे, ठीक है। और कॉलेज अभी बंद है फिलहाल, अभी हमारी थोड़ी बसड़ हो गई थी गार्ड से, बट हमारे पास आईडी नहीं थी, ठीक है। कैमरे में देख रहे तो क्या हो गया, देख लेंगे, दबना नहीं है क्यों, ठीक है। तो अभी पूरा कॉलेज खाली है, सुनसान है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कॉलेज टूर व्लॉग का लिंक इधर आ रहा होगा, ऊपर जाके जाके देखो उसको। और अभी हम ऐसे ही हैं कॉलेज में, देख रहे हैं रात को क्या माहौल है। मोस्टली कॉलेज हूँ तो इतना बिल्कुल बाहर चीज़ें बंद हुई है ना, इतने पूरी लाइट ना अगर 8-9 बजे 10 बजे तक लाइटा चल दी होंगे, जनता इतने बैठी होंगी सी, उदो वर्थ इट नहीं लगता कॉलेज में इन्ने पैसे देने, हूँ तो साले बिना गलो पैसे लाई जाते हैं, तो इन्नी इन्हें यूटिलिटीज नहीं यूज हो रही, कुछ बिल्डिंग नहीं यूज हो रही इन्नी, तू भी बोल ले कुछ, मैं की बोलना यार, बोल बोल कुछ भी बोल, कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहेगा तू बस? कॉलेज सही है अपना, ठीक है बस, ये इसको यही है, किसने कल भी यही बोलता कॉलेज कैसा है, ठीक है बस। कल भी हम यहाँ पे आए थे, आज भी आए हैं, बस ऐसे ही रैंडम सा व्लॉग बना दिया हमने, बस बढ़िया लगे तो ज़रूर लाइक करना, ठीक है। अभी थोड़े बहुत ही लोग हैं कॉलेज में, बिकॉज इस टाइम कोई होता नहीं, मोस्टली क्लासेस इस टाइम पर ख़त्म हो जाती हैं। देखो पार्किंग कितनी ओके लगाई है, बिल्कुल परफेक्ट लगा रखी है गाड़ी। अब जब व्लॉग एंड करना था, बट हम मूवी देखने आए हैं सूर्यवंशी जो अक्षय कुमार की है, सो सिनेमा हॉल पहुंच चुके हैं, सिनेप्लेक्स आई गेस, पता नहीं कौन सा सिनेमा हॉल है ये, ठीक है। तो मूवी देखेंगे आज हम सूर्यवंशी, और टिकट्स वगैरह यहाँ से लेते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, और मूवी देख के व्लॉग करते हैं। बट मिलते हैं ना स्कॉशिया बैग से, उसका यही फ़ायदा है कि हम फ्री मूवी देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम जो भी परचेजेस वगैरह उनकी सर्विसेज जो भी यूज़ करते हैं हमें उससे पॉइंट्स मिलते हैं, उस पॉइंट से हम फ्री मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं। सो इसलिए मेरे पास टाइम था तो मूवी देखने आ गया, मैंने देखनी तो नहीं थी मूवी, बट मूवीज़ को देखनी थी, मैंने कहा भाई आ जाते हैं देखने। एंजॉय योर मूवी, आ गई हमारी सूर्यवंशी की टिकट, चलो चलते हैं। कौन सी ऑडी है, सिनेमा वन पता नहीं, इधर का सीन भी कह रहा है, चलो चलते हैं। वन कहाँ पे है, इधर तो 4-3 है। हाँ खुश है अब, सूर्यवंशी देखनी है इसको, नकली मूवी देखते हैं कैसी। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, सो रात के 3 बजे थे, सो मैं व्लॉग एंड करना भूल गया था, सो अभी मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ। सो आज के व्लॉग में इतना ही था, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव भी, सो एक तरह का रैंडम ब्लॉग ही था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू माई वीडियोज, एंड वन मोर थिंग, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, आई एम जस्ट क्रॉसिंग 1000 सब्सक्राइबर्स, सो कीप सपोर्टिंग मी, कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल, आई रियली अप्रिशिएट दैट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ के साथ हम आते रहेंगे, सो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं हो तो, अगर नहीं किया तो भी कर लो, और वीडियो ज़रूर लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो। टिल देन स्टे सेक्सी, स्टे सेफ,
stay safe, stay sexy, and take care. Bye bye. Good night.